लाइव चल लाइव नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरा जो रेड ऑफ कश्मीर मद्रास प्रस्तुति प्रोडक्शन और कल हमने अपने आप के साथ थोड़ी बातें की थी तो कल भी हमारे पास कुछ फ़ोन आए कुछ एक फ़ोन आया हमारे पास और एक मैसेज आई चलो ठीक है काम तो चलेगा तो एक मैसेज ये आई कि भाई आप हिंदी इंग्लिश कश्मीरी उर्दू सब में बोल रहे हैं इकट्ठे एक ही बात में भाई सब यही तो बात है भाई एक बर्तन है घर में तो बहुत सारे बर्तन रहते हैं एक उसमें विभिन्नता में ही तो हमारा देश तो विभिन्न भाषाओं का बना हुआ है तो अगर एक वीडियो में हमने चार भाषाओं का इस्तेमाल किया तो ये तो अच्छी बात है लेकिन बात यह है कि जिस बंदे ने लिखा वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में है जो यकजहती की बात करते हैं तो इसलिए हमने सोचा कि भाई आज ज़्यादा ऑडियंस के लिए जाने के लिए ठीक है हिंदी में ही हम शुरू करेंगे कुछ अपने आप के साथ बातें हरिओम तो शिव जी का नाम लेके ओम नमः शिवाय से हम शुरू करते हैं तो कल हमारे लिए एक गिफ्ट मिला हमारे को तिब्बत बकाल जी के ख़ानदान से वो कश्मीरी में है वो मैं आपको वो संतूर पे है उन्होंने कल ही कंपोज किया था और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वो मुझे मेरे को भेजा वो अपने आप को बड़ा धन्यवाद मतलब बड़ा बख्त समझता हूँ कि उन्होंने अपना जो कंपोजिशन है वो सीधा ही मेरे को भेजा रखा नहीं और उसमें कश्मीरी में वो चार दो लाइनें हैं वंत वेसिए क्या गछी कम वंत वेसिए क्या गछी कम तस्निगारस वंत म्यों तस्निगारस वंत म्यों वंत वेसिए क्या गछी कम वंत वेसिए क्या गछी कम तस्निगारस वंत म्यों तस्निगारस वंत म्यों हमारे यहाँ पे कृष्णजू राजदान साहब हुए हैं वो शिवजी के बड़े भक्त हैं संत हैं और उन्होंने एक प्रार्थना अपनी जो व्यवस्था है व्यथा है वो अपनी शिवजी को सुनाई है वो आपको मैं सुनाता हूँ फिर मैं कनेक्शन आपको बताता हूँ उन्होंने कहा है बेलते मादल वेने गुलाब पंपोश दस्ते बेलते मादल वेने गुलाब पंपोश दस्ते पूजाय लाग परम शिव शुनाथस्ते बेलते मादल वेने गुलाब पंपोश दस्ते पूजाय लागो परम शिव शिवनाथस्ते फुल स्टॉप पीरियड बाकी सब लोगों को पता है तो इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है हमें यही चार शब्द चाहिए या पांच शब्द चाहिए उसका कनेक्शन आज छोटा सा वीडियो बनेगा ज़्यादा वीडियो नहीं बनेगा तो बड़े वीडियो तो मैंने बोल डाल दिए थे जो सुनाना था ये जो बेलते मादल है ये तिब्बत बकाल जी ने जो सीनियर तिब्बत उन्होंने गाया है कश्मीर में ही इज़ अ मुस्लिम और उन्होंने बड़े मन तन मन से इतना इतना इतने भाव से वो गाया है कि वो काल के कपाल पे छप गया है जिस तरीके से तिब्बत बकाल साहब ने ये प्रार्थना या ये गाना या ये व्यथा या ये पूजा या ये अर्चना या ये नात या ये अर्जी जिस प्रकार से तिब्बत बकाल जी ने गाई है उस प्रकार से मुझे नहीं लगता है कि आगे जब तक ये सृष्टि रहेगी कोई आदमी इसको उस प्रकार से गा सकता है या उस जोनर में गा सकता है या उस भाव से गा सकता है ये मैं बहुत आपको स्टैम्प लगा के बोल सकता हूँ कि उससे ज़्यादा नहीं बोल गा सकता है बेलते मादल वेन्य गुलाब दस्त पूजाए लागे परम शिव शिवनाथ हस्ते तो बेल का पत्ता है बेलपत्र जिसके तीन रहते हैं वो भी त्रिकाई है तीन साइड पे है बेलते मादल कश्मीर में एक फूल है
वैन ते मादल, वैन ते मादल, वैनी वैनी भी एक किस्म की जड़ी बूटी है, वैन वैल ते मादल, वैनी गुलाब, गुलाब तो गुलाब ही है, गुलाब गुलाब का बड़ा मेडिकल यूज़ है गुलाब, वैन ते मादल, वैनी गुलाब, पंपोश, पंपोश लोटस एंड अस्ते मतलब हाथ। मैं शिव जी को क्या क्या लगाता हूँ, बेलते मादल वेनी गुलाब पंपोश दस्ते एंड हैंड, बिकॉज आई हैव टू ऑफर विद द हैंड, सो आई टच विद द हैंड, सो यू सी द मिरेकल दैट यू कैन द एलिप्सॉइड और द उस पर मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा कि ये जो अब हम एलिप्सॉइड की जो हम पूजा करते हैं या जिसको हम शिवजी कहते हैं उसको मैं थोड़ा बाद में एक दो तीन चार वीडियो के बाद उसमें टच करूँगा जहाँ मैं एक्सपेंशन ऑफ रिलीजन्स या फेथ्स के बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पे कितना अच्छा है कि भाई आपने जिसको प्रभु समझा उसको आप हाथ लगा रहे हैं, ये देखिए भाव कितना अच्छा है। हाँ, अभिषेकम जिसे आप कहते हैं, और यहाँ तमिलनाडु में तो अंदर आने नहीं देते हैं, बहुत खास खास लोग जो बड़े धनवान लोग होते हैं, बहुत प्रतिष्ठित लोग होते हैं, जो जिनका बड़ा प्रतिष्ठा होता है, जिसका बड़ा वैभव होता है, वही लोग अभिषेकम के टाइम पे अंदर भगवान जी के यहाँ जा सकते हैं, उनको निहा सकते हैं, उनको हाथ लगा सकते हैं या मूर्ति को हाथ लगा सकते हैं। और वैसे ही हमारे दूसरे मजहबों में भी है, काबा में भी हमारे पास एक है कि जहाँ पे हम एक वहाँ पे एक गलियारा है जहाँ पे हम हाथ लगाते हैं, काला सा वो है, वहाँ पे चूमते भी है, हाथ भी लगाते हैं। तो बड़े नसीब वाले लोग होते हैं, या तो वो धनवान हो या वो स्पिरिचुअली इतने गेन किया हो कि वहाँ तक पहुँच सके, जिस भी तरीके से साम दाम दंड भेद की वजह से पहुंच सके, तो वहाँ पे प्रभु तो भाई ताकत के बगैर तो मुझे नहीं लगता है कि भाई आप कहीं पहुंच सकते हैं। तो ताकत हर प्रकार की ताकत होनी चाहिए, या पैसों की ताकत हो, बात की ताकत हो, और या स्पिरिचुअली ताकत हो। तो मैं जो दिलीप जो इन्होंने तिब्बत बकाल साहब ने जो मेरे को भेजा मैं आपको सुनाता हूँ वो, ठीक है? शायद आवाज़ अगर कम हो तो फिर मैं कमेंट्स में इसको डाल दूँगा वापस, आप देख लीजिए। डायरेक्टर वार डायरेक्टर मैं खुद ही हूँ तो कभी कभी ये मैं दोबारा से लगा Oh,
आपने सुन लिया, तो आज ये आज ये बड़ा छोटा वीडियो रहेगा, क्योंकि सनी मोहन जी ने हमारे को बोला कि भाई छोटे छोटे रखो। तो आज मैंने इस पे बैलते मादल पे और तिब्बत बताल जी के ऊपर और शिव जी के ऊपर बताया आपको कि हाउ वी आर कनेक्टेड टुगेदर एज ह्यूमन बीइंग्स, एंड भाईचारा रखिए, और यही चीज़ है, और हम अलग नहीं हैं, हम एक ही चीज़ है। और जो लोग ये समझे कि भाई एंटी नेशनल है, कल मुझे एंटी नेशनल बोल दिया, अरे भाई ठीक है, वही क्या ठीक है। तो चलिए ओके, आज इतना ही रख देते हैं, ये वीडियो यहीं तक है, बाय, थैंक यू।